जय हिंद। लास्ट वीडियो में हम बात किए थे हमारे हार्ट में रक्त का परिसंचरण कैसे होता है। चलिए उससे आगे आज हम देखते हैं हार्ट में जो चैम्बर होती है, हार्ट में चैम्बर के चैम्बर जो होते हैं चार होते हैं, एक दो तीन चार। दाहिना आलिंद दाहिना नीलय, बायां आलिंद बायां नीलय। एक बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछ दिया था कि हार्ट में परतें कितनी होती है, तो देखिए जो बाहरी परत है, ये बाहरी परत इसको कहते हैं, ये बाहरी जो परत है इसको कहते हैं पेरिकार्डियम। पेरिकार्डियम। और ये जो अंदर परतें हैं ये इसको कहते हैं इंडोकार्डियम। इंडोकार्डियम। और ये जो बीच वाली परतें हैं इसको कहते हैं मायोकार्डियम। और देखिए दोनों ये बीच वाले जो भाग है दोनों का ये सेपरेट कर रहा है बीचों बीच, इसको कहते हैं कार्डियक सेप्टम। कार्डियक सेप्टम कहते हैं। क्या कहते हैं? कार्डियक सिप्टम। तो हमारे हार्ट में चैम्बर चार और परतें कितनी होती है? तीन। तो एक बार एग्जाम में पूछ दिया था कि मजबूत जो होता है हार्ट का भाग कौन सा होता है, मजबूत परत कौन सा होता है। तो देखिए ये आलिंद, आलिंद केवल ब्लड को रिसीव करने का काम करता है, लेकिन नीलय ब्लड को पंप करने का काम करता है। तो नीलय जो होता है यह मजबूत होता है। एग्जाम में पूछ दिया था कि हमारे फेफड़े तक ब्लड को कौन पहुंचाता है, तो फेफड़े तक जो ब्लड को पहुंचा रहा है, देखिए दाहिना नीलय जो है फेफड़े तक ब्लड को पहुंचा रहा है और बायां नीलय जो है महाधमनी से पूरे बॉडी में फैला रहा है। तो फेफड़ा तक जो ब्लड को पहुंचाता है कौन पहुंचा रहा है? दाहिना नीलय। अब क्या है? ये दाहिना जो नीलय है यहां पे कभी कभी क्या होता है किसी का, ये हमारे जो हार्ट है उसमें जो पंप करता है इलेक्ट्रिसिटी जनरेट, इलेक्ट्रिक जो जनरेट जनरेट करता है जिसके कारण पंप करता है, जो धड़कता है क्यों, इलेक्ट्रिक जनरेट करता है। इलेक्ट्रिक जनरेट कौन करता है? ये यहां पे जो लगा होता है साइनो एटीएम नोड, इसको क्या कहते हैं? साइनो एटीएम नोड। तो हमारे पूरे हार्ट में जो इलेक्ट्रिक जनरेट करता है इसे कहते हैं साइनो एटीएम नोड। इसी के कारण क्या होता है कि ब्लड को पंप करता है नीलय, यही साइनो एटीएम की वजह। तो एग्जाम में क्वेश्चन पूछ सकता है कि हमारे हार्ट में जो पंप करता है ब्लड को किसके कारण, ये साइनो एटीएम जो हमारे हार्ट में इलेक्ट्रिक को जनरेट करता है साइनो एटीएम नोड। अब कभी कभी क्या होता है किसी में खराब हो जाता है, तो इसके जगह पर यहाँ आर्टिफिशियल लगाया जाता है जिसको कहते हैं पेसमेकर। पेसमेकर लगाते हैं, ऑपरेशन के द्वारा लगाते हैं, पेसमेकर लगा देते हैं और साइनो एटीएम को हटा दिया जाता है। तो हार्ट का जो ऑपरेशन है, हार्ट में मतलब ऑपरेशन किया जाता है उसको कहते हैं बाईपास सर्जरी। क्या कहते हैं? बाईपास सर्जरी के नाम से जाते हैं। सबसे पहले जो हार्ट का ऑपरेशन किया था क्रिश्चियन बर्नार्ड ने। जब कभी एक में हार्ट खराब हो जाता है तो दूसरे का हार्ट हम एक्सचेंज कर सकते हैं। सबसे पहले भारत में ये क्रिश्चियन बर्नार्ड ने ये हार्ट एक्सचेंज किया था। अब क्या होता है, ब्लड यहां ऐसे नीचे आया फिर ये ऊपर जाता है, मतलब क्या है? ऐसे नीचे जाता है फिर ऊपर जाता है, मतलब नीचे ऊपर जो ब्लड होता है उससे एक आवाज निकलती है, उसको कहते हैं लबडब। क्या कहते हैं उसको? लबडब 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 की आवाज आती रहती है, लबडब लबडब। उसके बाद हार्ट का जो हम आकार को देखें तो ऊपर से बिल्कुल बेस की तरह है और नीचे से नुकीला है, तो नुकीला इसको क्या कहते हैं? एपिक। और ऊपर वाले को बेस और नीचे वाले को एपिक। हमारा जो हार्ट है एक मिनट में 70 to 72 बार धड़कता है। एक मिनट में कितना? 72 बार धड़कता है। और एक बार जो धड़कता है तो 70 ml ब्लड को
ऊपर पंप करता है 70 ml। हमारे पूरे शरीर में 5 से 5.5 लीटर ब्लड होता है, 5 लीटर मान लीजिए, तो एक बार में 70 ml ब्लड पंप करता है, मतलब इसे 72 बराबर लगभग 5 लीटर ब्लड को एक मिनट में हमारा बॉडी क्या करता है, पंप करता है। एक मिनट पर 5 लीटर ब्लड पंप कर देता है। तो बाकी लगभग हर्ट आपका कंप्लीट हो चुका है, बाकी जो बचा हुआ है कल की क्लास में देखेंगे। मिलते हैं अगली क्लास में।